दोस्तों, आप में से बहुत सारे भक्तों ने अयोध्या के हनुमानगढ़ी के बारे में सुना होगा और बहुत सारे भक्तों ने दर्शन और पूजन भी किया होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको अयोध्या हनुमानगढ़ी के उन रहस्यों के बारे में बताएंगे जिसके बारे में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने हमारे चैनल से बेबाक बात की। दोस्तों, हनुमानगढ़ी की महत्ता का वर्णन कर पाना किसी भी साधारण मनुष्य के वश की बात नहीं, लेकिन इस महत्ता के अलावा बहुत सी ऐसी बातें भी हैं जिसे रहस्य के रूप में जाना जाता है। इस वीडियो में हम आपको हनुमानगढ़ी के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जानकारी देंगे जो इस मंदिर के महंत ने हमसे बातचीत में बताया है। दोस्तों, आप हमारा ये वीडियो अंत तक पूरा जरूर देखिए और सुनिए हनुमानगढ़ी के रहस्य की कहानी महंत राजू दास की जुवानी। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि अयोध्या का हनुमानगढ़ी एक गुफा मंदिर है जिसमें 76 सीढ़ियों को चढ़ने के बाद हनुमान जी महाराज के दर्शन होते हैं। आप किसी भी मंदिर में भगवान के मूर्त रूप का दर्शन करते हैं, लेकिन अयोध्या के हनुमानगढ़ी में बजरंगबली महाराज के साक्षात दर्शन होते हैं। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी महाराज इस कलयुग में भी इस मंदिर में जीवंत रूप में विद्यमान हैं। धर्मनगरी अयोध्या की पहचान भगवान राम की जन्मस्थली के रूप में भले ही है, लेकिन अयोध्या के राजा हनुमान जी महाराज हैं जिनका राजतिलक भगवान राम ने परम धाम जाने से पहले स्वयं अपने हाथों से किया था। राम दुआरे तुम रखवारे उतना आज्ञा बिन पैसारे। आप अभी सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी में आप मौजूद हैं। यहाँ पर हनुमान जी महाराज राजा के रूप में विराजमान हैं और हनुमान जी राम रसिया हैं, राम भक्त हैं, निष्काम भाव वाले सेवक हनुमान जी महाराज भगवान राम के, पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम के चरण में हनुमान जी सदैव राम रसिया बन के राम राम सीताराम करते हुए रहते हैं। यहाँ हनुमान जी राजा के रूप में विराजमान हैं। यहाँ पर हनुमान जी महाराज का राज्याभिषेक हुआ है और बाबा ने लिखा है, राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। दोस्तों, हनुमानगढ़ी में हनुमान जी की प्रतिमा महज 6 इंच लंबी है जो फूल मालाओं से भरी रहती है। हनुमान जी की विग्रह सिंदूरी लाल रंग में है। हनुमानगढ़ी मंदिर सुबह 3 बजे खुल जाता है, लेकिन सबसे पहले हनुमान जी की गुप्त आरती की जाती है। इसके बाद ही भक्तगण दर्शन पूजन कर सकते हैं। दोस्तों, सुबह 3 बजे होने वाली आरती एक रहस्य आरती है जिसमें 8 पुजारी होते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस आरती के बारे में इन पुजारियों के अलावा किसी को कुछ नहीं पता होता है और ना ही ये पुजारी आखिरी सांस तक इस आरती के बारे में किसी से कुछ बताते हैं। गुरु जी, आरती होती है हनुमान जी की, लेकिन जो पूजा होती है उसके बारे में कुछ बताइए। कहा जाता है कि वो एक रहस्य है, तो क्या रहस्य है पूजा को लेकर? रहस्य बताया नहीं जाता है। हमारे यहाँ जो पूजा पाठ है, पूजा गुप्त होता है, पूजा प्रदर्शन का विषय नहीं होता है। ये मैं बता सकता हूँ डंके के चोट पर कि हनुमान जी यहाँ साक्षात हैं, हनुमान जी राजा के रूप में विराजमान है, हनुमान जी कुछ भक्त यहाँ रहते हैं, बाकी दुनिया में भ्रमण करते, संसार में भ्रमण करते, लेकिन प्रतिदिन रोज हनुमान जी यहाँ आते हैं, सेवा लेते हैं, उनकी पुजारी खूब सेवा करता है और हनुमान जी राजा के रूप में यहाँ बैठे हुए हैं। गुप्त आरती के बाद हनुमानगढ़ी मंदिर सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक भक्तों के लिए खुला रहता है। कहते हैं कि अयोध्या न जाने कितनी बार बसी और कितनी बार उजड़ी, लेकिन फिर भी हनुमान टीला ही एक ऐसा स्थान है जो हमेशा अपने मूल रूप में बना रहा, जो आज हनुमानगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, मान्यता है कि लंका विजय के बाद जब प्रभु श्री राम अयोध्या वापस आए तो हनुमान जी उनके साथ अयोध्या आए थे, लेकिन जब भगवान राम परमधाम को जाने लगे तो उन्होंने हनुमान जी को अयोध्या का राजपाट और अयोध्या के साथ अयोध्यावासियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हनुमान जी को सौंप दिया। तब से हनुमान जी जीवंत रूप में अयोध्या की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, इसीलिए हनुमान जी को अयोध्या का राजा कहा जाता है। देखिए, जगजननी माँ जगदम्बा ने पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम से प्रार्थना किया कि हनुमान मेरे मानस पुत्र हैं और हनुमान जी का ही राज्याभिषेक होना चाहिए। राज्याभिषेक लव और कुश जी को होने जा रहा था, लेकिन पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम के मन में भाव चल रहा था कि हनुमान का ही राज्याभिषेक होना चाहिए था, लेकिन
उनके मन में शंका था कि कहीं जगत जननी जगदम्बा ये ना कहे कि अपने शिष्य को राजा बना रहे हैं अपने पुत्रों को छोड़कर। तो जब पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम साकेत धाम को जाने लगे तो हनुमान जी महाराज के यहाँ राज्याभिषेक हुआ है। माता सीता जी ने आशीर्वाद दिया था, अजर अमर गुण निधिसुत हो, अजरता का अमृत कर पुत्रवत आशीर्वाद हनुमान जी महाराज को माँ सीता ने दिया था। चूंकि हनुमान जी अयोध्या के राजा हैं, इसलिए उनकी अनुमति के बिना अयोध्या में कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए मान्यता ये भी है कि यदि किसी को रामलला के दरबार में दर्शन पूजन के लिए जाना है तो वो सबसे पहले हनुमंत लाल के दरबार में यानी कि हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करे, उसके बाद ही रामलला के दरबार में जाए। दोस्तों, माना जाता है कि यदि कोई भी भक्त पहले हनुमान जी के दर्शन किए बिना रामलला का दर्शन पूजन करता है तो ये दर्शन पूजन अधूरा माना जाता है। दोस्तों, अयोध्या की हनुमानगढ़ी महज एक हनुमान मंदिर नहीं बल्कि ये हनुमान जी महाराज का किला है, जिसमें किले की तरह इसके नीचे भी तहखाने बने हुए हैं। बताया जाता है कि जब अत्ताइयों ने राम मंदिर पर आक्रमण किया था तो उनसे हुई लड़ाई में दुर्ग अयोध्या के गर्भगृह में बीचों बीच में और राम जी के द्वार के ठीक सामने में हनुमान जी महाराज का दुर्ग किला है। तो राजा के रूप में बैठे हैं तो स्वाभाविक है राजा की चिंता और चिंतन अपने स्वामी के प्रति तो होगा ही होगा। इसके नाते दुर्ग है, किला है, चाहे उसको तहखाना कहो। यहाँ से क्या है कि सेना, सनातन धर्म जब छोटे छोटे राजा राजवारे आपस में लड़ते थे, मरते थे, करते थे, तो सनातन की बात कोई नहीं करता था, सिर्फ अपनी रियासत को बढ़ाने की बात करता था। तो मुझको लगता है तब उस समय में स्वामी बालानंदाचार्य जी महाराज ने अखाड़ों की संरचना किया। तो एक फौज है, वो सेंटर है और वहाँ किला के रूप में यह है। तो यहाँ पर हनुमान जी राजा के रूप में विराजमान है और यहाँ पर राजतिलक हुआ है, इसके नाते किला है। यहाँ से सनातन धर्म की रक्षा सुरक्षा, सनातन धर्म की संवर्धन संरक्षण, तो यहाँ नागा साधु हम लोग हैं और सनातन की रक्षा करने के लिए हम लोग यहाँ हैं। तो तहखाना समझिए, किला समझिए, जो समझिए आप। इतना ही नहीं, बताया ये भी जाता है कि इस किले यानी कि हनुमानगढ़ी से एक सुरंग रास्ता था जो सीधे सरयू के घाट पर खुलता था। कहा जाता है कि हनुमानगढ़ी से जो है वो सीधे सरयू को सुरंग जाती थी जहां पर नागा लोग जाकर के स्नान करते थे। क्या इसमें कितनी सच्चाई है? पहले ऐसा हर एक किलो में होता था। किले में इसलिए होता था कि जो वहाँ का राजा होता था वो सुरक्षित, उसको कहीं आज भी आप लोग देखते हैं कि जो बड़े बड़े अभी संसद भवन बना है तो संसद भवन में अलग से एक रास्ता दी गई है। इसके नाते पहले होता था, तो था पहले ऐसी व्यवस्था, अब है कि नहीं है? नहीं, अब तो नहीं कह सकते, पहले थी ये व्यवस्था। दोस्तों, इस हनुमान मंदिर के निर्माण का कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलता है, लेकिन कहा जाता है कि कई बार अयोध्या के उजड़ने और बसने के बावजूद ये टीला हमेशा अपने मूल रूप में ही खड़ा रहा। दोस्तों, आज भी माना जाता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से हनुमानगढ़ी में आकर हनुमंत लाल से अपनी मनोकामना पूर्ण होने के लिए प्रार्थना करता है तो उसकी सभी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। हर भक्तों के लिए यहाँ लाखों भक्त आते हैं और सभी भक्तों का मनोकामना हनुमान जी महाराज पूर्ण करते हैं और उसके मन में जो भी भाव होता है सारे भाव को सिद्ध करते हैं हनुमान जी महाराज। दोस्तों, इसके साथ ही एक मान्यता ये भी है कि जो भी भक्त इस हनुमानगढ़ी में हनुमान जी को लाल चोला चढ़ाता है तो उसे सभी तरह के दोषों से मुक्ति मिल जाती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। डंके की चोट पे कहता हूँ, जो भी भक्त निष्काम भाव से मन को स्वच्छ करके तन को पवित्र करके हनुमान जी के पास अर्जी लगाएगा, हनुमान जी उसको दर्शन देंगे और हनुमान जी सभी भक्तों का मनोकामना पूर्ण करते हैं। दोस्तों, अयोध्या से जुड़े वीडियो देखने और प्रमुख स्थलों के बारे में जानकारी पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही कमेंट सेक्शन में अपना कीमती विचार हमें जरूर भेजिए।